हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रूपिका, सोमनाथ भारती कानून मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस सरकार में उन्हें किसी तरह का कोई दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन टिकट जरूर मिली है। और अच्छी खबर यह है कि सोमनाथ भारती इस वक्त आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। शाहीन बाग जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जरा सुनिए वहां की आवाजें और फिर आपको आंकड़े दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन बैरिकेड्स लगे हुए हैं। दिल्ली वाले उन गाड़ियों को वहां तक नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी 13 पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी ने शुरुआती रुझानों में बाकायदा यहां पर बढ़त बना दी है, और बढ़त नहीं, सरकार बना दी है। 49 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी को रुझानों में मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी 13, और कांग्रेस ने रोमाना खाता तक नहीं खोला है। तो देखिए, ये शुरुआती रुझान आम आदमी पार्टी 49 पर, और जल्दी से, क्योंकि लोकसभा के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं ना। लोकसभा तो सातों की सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी ने परचम फैलाया था, सातों की सातों बीजेपी के सांसद हैं। और अगर मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर सीटें देखिए, यहां पर बीजेपी के खाते में फिलहाल 10 में से 4 सीटों पर ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए, जिसमें एक घुंडा है, करावल नगर है, रोहतास नगर है, तिमारपुर है, और बाकी जो सीटें हैं, चाहे बाबरपुर, भुराड़ी, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, सीमापुरी, यहां पर आम आदमी पार्टी आगे। और ये तस्वीर आपके सामने ईवीएम की है। ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कई तरीके के सवाल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े किए गए, खासतौर से इसे लेकर कि साहब, जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है उसे आने में इतना समय क्यों लग गया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया हाथ में मोबाइल फोन टॉर्च लेकर कि कुछ भी होगा तो जी रिकॉर्ड कर लेंगे। और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को देखिए, निकले हैं अपने पार्टी कार्यालय के लिए। मैं कह रही थी ना, ऐसा कमी होता है जब नतीजों वाले दिन जो मुख्यमंत्री होता है वो शुरुआती आधे घंटे के अंदर ही नजर आ जाता है। ये तो हैरान वाली करने वाली तस्वीर है। और ये दिल्ली का बेटा है, फिलहाल अपने परिवार के साथ पार्टी दफ्तर जा रहा है। पंकज जी, माना जिस दिन वोटिंग हुई थी ना, जिस दिन मतदान हुआ था, उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने तैयारी कर ली थी कि मुझे मंगलवार को जब नतीजे आएंगे क्या करना है। ये हो गया था कि हम सवेरे पार्टी ऑफिस जाएंगे। उनका आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उनके पास जो फीडबैक मिला था कि हम जीत रहे हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को शुरुआती रुझान में। बिल्कुल रुमाना, और ये जो कॉन्फिडेंस है, वो विश्वास जो है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने काम के बूते पर वोट मांगा था। अगर हम बीजेपी का देखें, मनोज तिवारी को मैं सुन रही थी कि 48 सीटें विश्वास है, किस आधार पर विश्वास है ये वो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे थे कि हमने आस्था और विश्वास का आधार कहाँ होता है, तो बस विश्वास ही था। लेकिन फिलहाल हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल को पूरा आशीर्वाद हनुमान जी का मिलता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती रुझान में। शुरुआती रुझान में मिलता हुआ नजर आ रहा है, और मनोज तिवारी, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं या मुझे नहीं मालूम उन्हें आशीर्वाद क्यों नहीं मिला। हाँ, रोल मॉडल्स में से जितने, मैं रोल मॉडल्स पर आऊंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली अपना जो कैंपेन है उसको आगे बढ़ाया। सर बिल्कुल देखिए, ये रुझान पहले एग्जिट पोल ने सरकार बनवा दी थी, अब रुझान बनवा रहे हैं, असली सरकार बनने में कुछ घंटे की बात, अभी भी इंतजार। प्रदीप जी कह रहे हैं अभी भी इंतजार कर लीजिए, अभी एग्जैक्ट आंकड़े आने का इंतजार कीजिए, एग्जिट रुझान सबकी बारी आ गई है और सब में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जल्दी से चलते हैं नए आंकड़े के लिए रूपिका के पास। रूपिका, देखिए पोस्टल बैलेट्स का हम इंतजार कर रहे थे, पोस्टल बैलेट्स की जब एक बार आकाशवाणी सुन लेते हैं। आरके पुरम सीट से आम आदमी पार्टी की प्रमिला टोकस आगे चल रही है। देखिए, हर जगह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यही आकाशवाणी बताती हुई नजर आ रही है, और इसी का इशारा एग्जिट पोल जो है कह रहे थे, एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर खबर यह है कि रुझान आने शुरू हो गए हैं, ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हो गई है, और ये देखिए सबसे तेज नतीजा। और इस मंगलवार को इस दंगल में मंगल होता हुआ आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है। अभी रुझानों में 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है, 50, एक और सीट पड़ी। में आम आदमी पार्टी ने 50 के आंकड़े को छुआ, 50 के आंकड़े को छू लिया आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी जो है 13, बस एक बात यहां पर आप समझ लीजिए, अब ये सीटें बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलेगी, अब ये स्कोर सेटल होने लगेगा। लेकिन अभी भी फिर कह रहे हैं हम, रुझान है, नतीजों का हम इंतजार कर रहे हैं। रोमाना, कोई और खबर? 63 विधानसभा सीटें कुल हैं, और उन 70 में से ये 63 विधानसभा सीटें जिसके शुरुआती रुझान आपके सामने आ गए, और इनमें 50 पर आम आदमी पार्टी आगे। क्या है मुझे नजर आ रहा है रुमाना रुझानों में, कि शोएब इकबाल आगे चल रहे हैं मटिया महल से। शोएब इकबाल
अभी शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे और वो अभी वहाँ से लीड कर रहे हैं। शोएब इकबाल का गढ़ रहा है ये। उस्मानाबाद से जगदीश प्रधान जो पिछली बार बीजेपी 3 सीटें जीती थी जिसमें से 1 सीट वो जीते थे, वो पीछे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी लेकिन इस बार मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए। हाँ देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो नंबर्स है आपके और ऊपर 60 तक जा सकते हैं क्योंकि शुरुआत से जो रुझान मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लग रहा है। देखिए, अमानतुल्लाह गोपाल राय ये आगे चल रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। कपिल मिश्रा, दिलीप पांडे ये पीछे चल रहे हैं, अलका लांबा पीछे चल रही है, बग्गा, लवली, अलका लांबा, पूनम आजाद ये सब पीछे चल रहे हैं, राघव चड्डा, आतिशी मरलेना, मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। जी अभी तक आम आदमी पार्टी में देखें तो दिलीप पांडे, आकाशवाणी नई दिल्ली सीट से सीएम अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट एक ऐसी सीट जो पिछले 5 बार से लगातार दिल्ली को मुख्यमंत्री देती आ रही है। 3 बार इस सीट से शीला दीक्षित चुनकर आई सीएम बनी, 2 बार अरविंद केजरीवाल, और इस बार अगर जीते तो ये हैट्रिक होगी अरविंद केजरीवाल की। जी बिल्कुल रोमाना, कोई ताज्जुब नहीं है इस पे कि अगर अरविंद केजरीवाल वहां से लीड करते हैं तो। अगर वहां देखें तो बीजेपी और कांग्रेस ये कह रहे थे कि हर बार आप सीएम चुनते थे, इस बार आप विधायक चुनिए, तो उनका कैंपेन इस पर था। जीत का मार्जिन जरूर देखेंगे कि नई दिल्ली में चूंकि वोटिंग वहां पे कम हुई है, पिछले साल के मुकाबले में जो वोटों का प्रतिशत है वो कम रहा है, तो अरविंद केजरीवाल का मार्जिन क्या रहता है ये देखना। नई दिल्ली सीट पर तो मार्जिन जो होगा वोट्स का वही निर्णायक साबित होगा। देखिए मार्जिन आज की चर्चा के लिए होगा, अन्यथा जीत हार का महत्व होता है। जीत हार का महत्व होता है। सर मैं आंकड़ा बता दूं, आम आदमी पार्टी 52, बीजेपी 13, आम आदमी पार्टी 52, बीजेपी 13, मतलब 70 में से अब तक 65 जो असेंबली सीट्स हैं, विधानसभा सीट है, उनके रुझान आपके सामने हैं। इसमें आम आदमी पार्टी 52, बीजेपी 13, और नई दिल्ली सीट जिसकी हम बात कर रहे थे वहां तो लग रहा था जब उम्मीदवार का ऐलान किया तभी दोनों पार्टियों ने हथियार डाल दिए थे। हाँ, एक तरह से वॉकओवर दे दिया था बीजेपी कांग्रेस दोनों ने, और पोलिंग शायद इसीलिए कम हुई कि सब लोग मान के चल रहे थे कि केजरीवाल तो जीतेंगे ही। चलिए मनीष सिसोदिया की तस्वीर भी हम देख सकते हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर। अच्छा, पार्टी के कार्यालय में सबको जुटता है ना, अरविंद केजरीवाल भी यहीं के लिए निकले हैं अपने परिवार के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टी दफ्तर के भीतर की तस्वीरें शायद सामने आ गई हैं, वहां पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी दिबांग। जी हाँ बिल्कुल, और ये देखिए बहुत कम होता है कि इस तरह से मुख्यमंत्री बाहर दिखाई दें जब चुनाव की वोटिंग जा रही है, लेकिन केजरीवाल हैं अपने ढंग के नेता हैं, अलग ढंग के नेता हैं, इसलिए सभी नेता जुटे हुए हैं अपनी पार्टी। एक सेकंड बस आपको रोक रही हूँ, आंकड़ा बता दूं, 55 आम आदमी पार्टी 55 शुरुआती रुझान है, बार बार दोहरा रही हूं ये शुरुआती रुझान है, 68 सीटों पर ये रुझान सामने आ गए, 70 में से सिर्फ 2 सीट का रुझान बाकी है, और इन 68 में से आम आदमी पार्टी 55 पर, बीजेपी 13 पर। जी एबीपी न्यूज का जो सर्वे था सी वोटर के साथ उस पर बिल्कुल ये खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल रुझान पोल पर। जी बिल्कुल जी, पोस्टर बैलेट जो कहा जाता है वहां से शुरुआत अच्छी हुई है तो जाहिर है कि आगे ये बिल्कुल एक तरह का काफी अच्छा रहेगा आम आदमी पार्टी। आप कह रही हैं ये ट्रेंड है, ये इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, पलटेगा नहीं। इसमें एक रुझान है कि भाजपा बहुत देर से 13 पर अटकी हुई है और आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा बहुत देर पहले ही 13 पर पहुंच गई थी, वहां से भाजपा का अंक जो है वो हिला नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक नई ये एक रुझान है इसमें। चलिए देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, अब आम आदमी पार्टी का एक और आंकड़ा बढ़ गया है 56 और बीजेपी वहीं 13 पर, ये शुरुआती रुझान है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये शुरुआती रुझान है और आम आदमी पार्टी का आंकड़ा तो 56 पर है ना, AK-56 अरविंद केजरीवाल 56 पर, आम आदमी पार्टी 56 पर, बीजेपी मनोज तिवारी 13 पर, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। जी अगर ये 13 पर अटकी हुई है तो मुझे लग रहा है कि बाकी जब आंकड़े खुलेंगे, जब गिनती खुलेगी तो मुझे लगता है ये 13 से अब कम आएगा, नीचे जाएगी। जी नीचे जाएगी, और ये जो उछल रही है वो हमेशा ज्यादा उछलती है, ये जब भी सभी 70 सीटों के रुझान आए, आम आदमी पार्टी 56, बीजेपी 14 सीटों पर आगे। चलिए तो 70 की 70 विधानसभा सीटों पर ये रुझान आपके सामने, आम आदमी पार्टी 56, बीजेपी 14। तो शुरुआती 40 मिनट की गिनती में ही, 8 बजे गिनती शुरू हुई, शुरुआती 40 मिनट की गिनती में 70 के 70 विधानसभा सीटों के रुझान आपके सामने, और इसमें आम आदमी पार्टी 56, बीजेपी 14। और ये तस्वीर देखिए अरविंद केजरीवाल की, गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई, बहुत तेजी से दफ्तर पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने। मुख्यमंत्री पहले से ही बैठक बुलाया हुआ था उन्होंने पार्टी कार्यालय में, और तेजी के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचते हुए अरविंद केजरीवाल। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से बहुत लोग अभी काउंटिंग सेंटर पे भी होगा, मुझे लग रहा है मनीष भी किसी काउंटिंग सेंटर पे बैठे हो सकते हैं, और ये पहले से उनकी, जैसा बताया आपको कि पहले से उनकी योजना थी कि पार्टी कार्यालय में ही बैठ के देखें। फिलहाल ये जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं विजय जी, अब ये इसी दिशा में सेटल डाउन होंगे या कोई बड़ा उलटफेर अभी हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कोई उलटफेर होगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सीटें हो सकती हैं। पलटेगा आंकड़ा, पलटेगा आपको ऐसा लगता है?
ऐसा नहीं है कि पूरा पलट जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि बहुत कम वोटों की गिनती। आप कह रही हैं सिर्फ फासला जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पलटेगा पूरा खेल पलट सकता है क्या? देखिए अभी ईवीएम खुले तब अंदाजा लगेगा, लेकिन एक बात, पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारियों के वोट होते हैं, आमतौर पर ट्रेडिशनली ये बीजेपी के वोटर हुआ करते थे, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की बढ़त दिख रही है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल के रूप में देखना। तो मतलब ये बीजेपी के लिए और बड़ा धक्का हो सकता है। प्रदीप जी यहाँ पर बड़ी बात कह रहे हैं, फिलहाल आम आदमी पार्टी 56 बीजेपी 14 पर, और 40 मिनट के अंदर ही शुरुआती गिनती में ये शुरुआती रुझान जो सामने आ गए हैं। रूपिका देखिए दर्शकों को ये बताना जरूरी है, 8:43 हुए हैं, 43 मिनट हुए हैं काउंटिंग शुरू हुए, और ये देखिए नतीजे क्या, घंटियां क्या, 2 की आवाज हो या घंटियों की आवाज हो, आम आदमी पार्टी को आज ये दोनों आवाज बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा था बिल्कुल उसी पर फिट बैठते हुए 70 के 70 सीटों के रुझान, देखिए शब्द पर गौर कीजिए, रुझान नतीजे नहीं, रुझान ये बता रहे 43 मिनट बाद कि आम आदमी पार्टी सरकार बना चुकी है, आसानी से सरकार बना चुकी है, 56 सीटें आम आदमी पार्टी को 70 में से, और 14 सीटों पर बीजेपी इस वक्त काबिज दिखाई दे रही है रुझानों में आगे, लेकिन कांग्रेस का अकाउंट तक नहीं खुला। आकाशवाणी मोहिनी सीट से बीजेपी के विजेंदर गुप्ता आगे चल रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है रोहिणी से, ये एक सीट थी, 3 में से 1 सीट थी, विजेंद्र गुप्ता जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं रोहिणी से, बीजेपी को खुशखबर इस वक्त विजेंद्र गुप्ता देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 56 सीटों पर, 70 में से 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। रोमाना के साथ तमाम वो सीनियर पत्रकार मौजूद हैं जो अब विश्लेषण भी करेंगे और रुझानों के नतीजों में कन्वर्जन का भी इंतजार। रोमाना तो हमारे साथ है, लेकिन मुझे लगता है दर्शकों को ये तस्वीर देखनी चाहिए, विजय जी बड़े से आप उस दीवार को देख रहे थे और आलोक जी तो उधर देखना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन विजय जी उम्मीद है क्या अभी कुछ बदलेगा क्या, आप इधर देख लीजिए सर। देखिए उम्मीद पे दुनिया है, हाँ। और राजनीति के जगत और पृष्ठभूमि के अंदर ये कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन आज जो भी जीतेगा वो दिल्ली की जनता जीतेगी, और अगर हम हारेंगे तो दिस विल बी अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम क्यों हारे हैं। मतलब ईवीएम को लेकर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठाएंगे जिस तरीके से बाकी विपक्षी नेता करते आए, ट्रेंड बना लिया ये, तो जरा सुन लेते हैं आकाशवाणी। नजफगढ़ सीट से आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत पीछे चल रहे हैं। नजफगढ़ सीट कैलाश गहलोत मंत्री परिवहन, और वो इस समय पीछे हो गए या आगे पीछे का खेल अभी चल रहा है, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी 56 बीजेपी 14 कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी दोनों के लिए जिस तरह के रुझान आ रहे हैं कहीं ना कहीं आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि किस तरह से दिल्ली की कौन सी नब्ज थी, शायद उसको हम नहीं पकड़ पाए। बिल्कुल सर, और फिलहाल दिल्ली का दिल किसके लिए धड़क रहा है ये वॉल जब आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर रंग जो है वो सफेद सा होता हुआ नजर आ रहा है, और सफेद रंग मतलब आम आदमी पार्टी के खाते में जो सीटें जाती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझान में। अगर नई दिल्ली सीट की बात कर ली जाए जहां से सांसद मीनाक्षी लेखी है, और इसी नई दिल्ली सीट में वो खुद नई दिल्ली सीट आती है जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मतलब हैट्रिक लगाने के लिए जीत की चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। यहां देखिए नई दिल्ली सीट में ये दिल्ली कैंट और मोतीनगर बस दो सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे है। गांधीनगर सीट से कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली पीछे चल रहे हैं। गांधीनगर सीट पर भी कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली पीछे चल रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें आपके सामने हैं। सफेद और नीले रंग के गुब्बारों से सजाया गया है पार्टी के दफ्तर को। अरविंद केजरीवाल बस चंद मिनटों में यहां पर पहुंचने वाले हैं, गाड़ी में वो अपने सफर कर रहे हैं परिवार के साथ। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल लिए चलते हैं आपको यही पार्टी कार्यालय से। आम आदमी पार्टी के प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा, क्या तैयारियां की जा रही है अरविंद केजरीवाल के स्वागत की? तो ये देखिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ चुके हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अभी आप भी पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर में, और सामने हैं आपके तस्वीरें, ये इनोवा कार अरविंद केजरीवाल की, और उनके साथ तमाम सिक्योरिटी के लोग, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, और देखिए किस कदर यहाँ पर भीड़ कैमरों का जो है वो उनको घेरने को तैयार खड़ा है, क्योंकि जब वो अपने घर से निकले थे बहुत तेजी से वो यहाँ पहुंच गए हैं दफ्तर, और अब सब मीडिया कर्मी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो पूरे नतीजे आने का इंतजार करेंगे और उसके
बाद ही मीडिया से बात करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब दफ्तर के अंदर जा चुके हैं और दफ्तर के अंदर जाती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल दफ्तर के अंदर गए और दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं पार्टी कार्यालय में, जो मुख्य दफ्तर है उसके अंदर अंदर बैठेंगे, नतीजे देखेंगे और उसके बाद तय होगा नतीजों के बाद कि वो कितने बजे मीडिया से मुखातिब होते हैं, कब उनसे बात करते हैं। तो प्रतिभा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, आम आदमी पार्टी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आ रहा है इस वक्त पार्टी ऑफिस में। दिबांग रोमानंद, देखिए बिल्कुल जोश हाई है, पर मैं आपको ताजा एक नतीजा जो रुझान है वो बताऊं कि दिलीप पांडे फिलहाल तिमारपुर से पीछे चल रहे हैं और मेरे ख्याल से ये एक बड़ी बात है। अगर आप देखें कांग्रेस की, तो लवली जो 4 बार जीते वो पीछे, मतीन अहमद 5 बार जीते वो पीछे। बिल्कुल, और नजफगढ़ सीट का अभी हमने बताया था ना, वहां से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी पीछे चल रहे हैं और दिलीप पांडे तिमारपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। दिलीप पांडे शुरुआत से पार्टी के साथ लगे रहने वाले लोग और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि जमीन पे काम करने वाले पार्टी के लिए समर्पित होके वैसे लोग हैं। हाँ। और ऐसे जो नए लोग आए हैं दूसरी पार्टियों को, आपको रोकना चाहूंगी मैं, हम दर्शकों को जरा जल्दी से लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह भी मौजूद है। अंजलि, पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई, अब तो खुद अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए। आप लोग लॉन में आ जाए और जितने लोग और भी खड़े हैं, वॉलंटियर्स जो खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप लॉन वाले एरिया में आ जाए। आप सबसे निवेदन है कि आप जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, मुझे लगता है काफी वहां पर आवाज है इस वजह से मुझे सुन नहीं पा रही हैं अंजलि सिंह, लेकिन आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके से आकाशवाणी सुनते हैं। मॉडल टाउन सीट से बीजेपी के कपिल मिश्रा पीछे चल रहे हैं। मॉडल टाउन सीट से बीजेपी के कपिल मिश्रा पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी 56 पर, बीजेपी 14 पर, आंकड़ा अभी थमा हुआ सा, बदल नहीं रहा। धीरे धीरे बदलेगा क्योंकि अब ईवीएम अब खुलना शुरू हो गया होगा, अब ईवीएम की गिनती सामने आएगी, अब एक डिसाइसिव लीड की स्थिति सामने आएगी जहां पर कि हम ये बता सकेंगे कि कौन सी पार्टी की लीड कितनी ज्यादा हो रही है। और जहां तक कपिल मिश्रा की बात है तो उनका पीछे चलना अपने आप में एक संदेश है। बिल्कुल, 8:49 मतलब करीब 50 मिनट का वक्त हो रहा है गिनती शुरू हुए हुए और अब आएगी ईवीएम की बारी। अभी तो पोस्टल बैलेट ही थे जिन्होंने शुरुआती रुझान में सरकार बनवा दी आम आदमी पार्टी की। हाँ, अब इंतजार होगा ईवीएम मशीनों का, लेकिन इसमें कम से कम पोस्टल बैलेट में एक ट्रेंड तो साफ नजर आ रहा है, एक कि मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिख रही है हर जगह, कांग्रेस कहीं बढ़त तक नहीं ले रही रुझानों में। दूसरा, आउटर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, सेंट्रल दिल्ली में बहुत अच्छा कर रही है, ट्रांस यमुना में, यमुना पार में। शकूर बस्ती सीट से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को भी बहुत शोकेस किया आम आदमी पार्टी ने। हाँ, और ये बीच में काफी विवाद में भी रहे, इनपे केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनने कई बार छापा मारा और इनको इनके ऊपर कई आरोप भी लगे थे, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि दोबारा भी सरकार बनी तो इनको मंत्री पद मिल सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी 56, बीजेपी 14, और जैसा कि विजय जी अब से हम बात कर रहे थे पंकज कि ये तो भाई बैलेट ही है, अभी पोस्टल बैलेट, अब आएगी ईवीएम की बारी, ट्रेंड बदल सकता है क्या, पूरा खेल पलट सकता है या बस थोड़ा सा फासला जो आगे पीछे हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेंड वही रहेगा, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, मुझे लगता है वो भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो सीटों की संख्या है वो थोड़ी बहुत बदल सकती है। जी, मोटा मोटा ट्रेंड यही रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ सीटों का अंतर भले हो जाए लेकिन मोटे तौर पर ट्रेंड जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे रास्ता, ट्रेंड वही है, संख्या में अंतर आ सकता है। आकाशवाणी ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। चलिए, तो सौरभ भारद्वाज भी आम आदमी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं अंजलि से। अंजलि, हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं आप जहां पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, वहां कार्यकर्ताओं का जोश हाए, आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, जरा बयां कीजिए तस्वीरें, कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं। 15 सीट बीजेपी को मिली यहां पर। जी देखिए, अभी अभी संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा बात नहीं की उन्होंने मीडिया से, बस इतना ही कहा कि बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, इस गाड़ी के अंदर अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, और फिलहाल जो अंदर ऑफिस बना हुआ है पार्टी मुख्यालय के अंदर, जहाँ पर अभी सिक्योरिटी खड़ी है, इस ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता है वो भी पहुंचे हुए हैं। अभी संजय सिंह अंदर गए हैं और आपको दिखाते हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे तैयारियां की
गई है, सजाया गया है इस ऑफिस को, और पहले से ही आम आदमी पार्टी चुकी है अंदाजा लगा रही थी कि सभी एग्जिट पोल जिस तरह से उनके फेवर में नतीजे दिखा रहे हैं तो उनके लिए आज खुशी की खबर आने वाली होगी और उसी के सेलिब्रेशन की ये तैयारियां देखिए। और साथ ही आपको ये जीप दिखाते हैं, दरअसल ये वही जीप है जिसपे अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो करते थे, और अब आगे माना जा रहा है कि जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे एक सेलिब्रेशन शो रोड शो की तरह से वो यहाँ पर कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन बिल्कुल, तो जीप सजी हुई खड़ी हुई है, इंतजार किया जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर जश्न के लिए एक रोड शो का भी आयोजन कर दिया जाए। फिलहाल आंकड़ा देखिए, आम आदमी पार्टी 55, बीजेपी 15, एक सीट आम आदमी पार्टी की घटी, बीजेपी की एक सीट बढ़ी, मतलब खेल तो अभी बाकी है विजय जी। हाँ, लेकिन ऐसा खेल नहीं है जो बिल्कुल पलट जाएगा। दूसरी बात, संजय जो है उनसे मुझे एक चीज पूछनी है कि अब वो हल्ला मुल्ला जो कल मचाए हुए थे कि आंकड़ा फिर बदला सर, 54-16 आंकड़ा फिर बदला, आम आदमी पार्टी घटी, घटकर 56 से 54 पर आई और बीजेपी 14 से 16 पर। हाँ, ये देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी दो सीटें हैं जिसमें ईवीएम मशीनें शायद खुली हों और पहली मशीन का नतीजा बीजेपी के पक्ष में रुझानों में कम से कम जाता हो। संगीता जी, पता चल पा रहा है? निरुमाना भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से बीजेपी को बढ़त मिली है और ये बढ़त क्या मनोज तिवारी का जो नंबर है वहां तक ले जा पाएगी। 48 का आंकड़ा है मनोज तिवारी का, तो बहुत बड़ा आंकड़ा था, वहां तक पहुंच जाएंगे? अभी अभी जो रुझान दिख रहे हैं उससे तो नहीं लगता है। बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो जब तक आखिरी वोट नहीं गिना जाएगा उनकी उम्मीद रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा परिवर्तन कोई जो है। बिल्कुल सर, आप क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं ना, अभी 16 पर है और 3 गुना जीतना पड़ेगा तो 48 मनोज तिवारी वाले दावे पर पहुंचेंगे, 3 गुना सीटें यहां से बीजेपी जीत सकती है, इतना खेल पलट सकता है? यहाँ तो हम सब, मैंने तो कहा है 60 के करीब। सिर्फ प्रदीप जी हैं जो कह रहे हैं कि कॉन्टेस्ट कड़ा है, और जो आप मान ही नहीं रहे कॉन्टेस्ट है, आपको क्या लग रहा है? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किस्मत में 500 गुना इजाफा हुआ है इस हिसाब से। आप इसी से खुश हो रहे हैं जी? दिल्ली में तो केजरीवाल ही आ रहा है, तो बात आगे की भी हो रही है अभी की तो। लेकिन फिलहाल देखिए, बीजेपी की 2 सीट बढ़ी है 14 से 16 पर, आम आदमी पार्टी की 2 सीट घटी है, कुछ पता पाएंगी आप कहां से घट रही है कहां से बढ़ रही है? रुमाना, मैं आपको दिखाती हूं कि यमुना जी 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 विजय जी के पास है। जो मनोज तिवारी, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है और एक वेस्ट दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मतलब हम कैसे भूल सकते हैं अनधिकृत कॉलोनीज, जिसको लेकर बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया था। मनोज तिवारी इस इलाके के सांसद हैं, मनोज तिवारी ने पूरा जोर यहां पर लगा दिया, और फिलहाल ये जो 2 सीटों का खेल बीजेपी के पक्ष में इस वक्त शुरुआती रुझानों में जाता हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक आप बता रहे हैं मनोज तिवारी जहां सांसद है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहां की सीट है। और लीजिए बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस का खाता खुला है शुरुआती रुझानों में, कांग्रेस का खाता खुला, और ये कौन सी सीट है जिससे कांग्रेस का खाता खुल रहा है? चांदनी चौक है रुमाना, जो दिख रहा है कि चांदनी चौक में अलका लांबा आगे जी, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र है एग्जैक्ट, मैं अभी अलका लांबा के इंतजार कर रही हूँ कि उनके आगे दिखे कि वो बल्ली मारान कांग्रेस के हारून यूसुफ आगे चल रहे हैं। तो बल्ली मारान सीट, हारून यूसुफ जो हैं वो आगे चल रहे हैं बल्ली मारान, ये वही सीट है जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 71% के आसपास वोट पड़े हैं बल्ली मारान में। हाँ, वो भी हुए, मिर्जा गालिब साहब की हवेली भी वही है, मैं वहां गया था तो वहां लोगों का इमरान, जो आम आदमी पार्टी इमरान हुसैन है, उनके प्रति गुस्सा था कि नाराजगी थी कि उन्होंने उतने काम नहीं किए जितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने उनको पिछली बार वोट दिया। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी लोकल एमएलए की थी वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने बहुत जगह ढकने की कोशिश की है उनके। तो मुझे लगता है आलोक जी का एक रिएक्शन तो बनता है, सर अब तो हंस दीजिए, ऐसी क्या बात हो गई, खुश नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी तो रुझान है और भी आगे आंकड़ा बढ़ेगा और दहाई तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल बल्ली मारान सीट पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ, जो हारून यूसुफ हैं वो बढ़त बना रहे हैं इमरान हुसैन पर, और वो बहुत पुराने नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं। बिल्कुल, और उनका कांग्रेस में भी बहुत बड़ा कदरा है। हाँ, तो उनकी व्यक्तिगत भी जीत होगी इसमें। ठीक है, लेकिन इससे इससे ऐसा लगता है कि वो जो अभी विजय जी कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर, उसने एकमुश्त वोट दिया, लेकिन यहाँ तो मामला हारून यूसुफ कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा इस सीट पर। देखिए, दोनों इमरान भी आम आदमी पार्टी से, हारून कांग्रेस से, दोनों मुस्लिम उम्मीदवार थे, ऐसे कई सीटें हैं, तो उन्हें ये लगा होगा जैसे विजय जी कह रहे हैं। आकाशवाणी हरिनगर सीट से बीजेपी के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा आगे चल रहे हैं। हरिनगर सीट पर खेल बदला है, तेजिंदर बग्गा जो हैं वो इस सीट पर आगे हो गए हैं, सिख वोटर, पंजाबी वोटर इस हरिनगर सीट पर निर्णायक है। और देखिए किस तरीके से अब बीजेपी का आंकड़ा 17 पर पहुंच गया है, आम आदमी पार्टी कहां 56 में पहुंच गई थी रुझानों में, घटकर 52 पर आ गई है, तो यह आंकड़ा बदल रहा है, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है रूबिका।
पिक्चर सही में अभी बाकी है, लेकिन पिक्चर बहुत हद तक दिख भी चुकी है। 70 में से 52 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अब यह आंकड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 56 पर रुझानों में आगे चल रही थी आम आदमी पार्टी, और ये देखिए घंटियां और मेट्रो। हनुमान जी की भक्ति दिखाई थी अरविंद केजरीवाल ने, और इस भक्ति में शक्ति देखिए 52 सीटों की नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 52 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी 20 का आंकड़ा छूटते हुए दिख रही है, मतलब 17 पर अभी है, और शुक्र है कांग्रेस का खाता खुला। 70 में से 52 पर आम आदमी पार्टी आगे, बीजेपी 17 पर आगे। ये दिल्ली विधानसभा 2020 की तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। और अब रुक करूंगी मैं उन तमाम मेहमानों का जो वहां डेटा सेंटर में मौजूद है, और यहां से एक बार फिर से 70 की 70 सीटों पर जो रुझान इस वक्त आगे चल रहा है वो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। 52 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है आगे। मुकेश, देखिए मैं जब शुरुआत कर रहा था तभी मैंने कहा था नतीजा आ गया है, हालांकि रोमाना नाराज हो गई थी उस बात से, लेकिन बात सही है कि ये लगभग शुरू से सभी मान रहे हैं, और यहाँ पे भी आपके तमाम जो पत्रकार यहाँ मौजूद है सभी ने लगभग यही माना है कि आम आदमी पार्टी बस अब ये मान लिया जाए कि ये रुझान जो है नतीजे। संगीता, नहीं रुझान अभी ऊपर नीचे होंगे क्योंकि ईवीएम मशीनें अब खुलनी शुरू हुई हैं। क्या सेटल मान सकते हैं अब ये स्कोर सेटल होगा? नहीं, ये स्कोर अभी मैं सेटल नहीं मानूंगी क्योंकि अभी ऊपर नीचे होगा। ईवीएम मशीनों की गिनती तो अब शुरू हो रही है, ये जरूर है कि एक ट्रेंड बता रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आंकड़ा यही रहेगा और सेट हो गया है सिर्फ एक दो ही ऊपर नीचे, लेकिन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ट्रेंड दिखाई दे रहा है प्रदीप। नहीं हाँ, आप देखिए पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अंतर दिख रहा है, इसलिए ये अंतर और घट सकता है, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। लेकिन ट्रेंड एक ही है कि आम आदमी पार्टी आगे जा रही है। और आकाशवाणी मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट से हाजी यूनुस जो है इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार भी बड़े क्लोज कंटेस्ट में बीजेपी के उम्मीदवार प्रधान वहां से जीते थे, और 3 सीटें में से एक सीट वो वाली मुस्तफाबाद भी थी, और इस बार वहां बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ और जगह वो गेन कर रही है, लेकिन और इसीलिए 17 पर आगे दिखाई दे रही है। जी हाँ, 17 पर आगे दिखाई दे रही है, और जहां तक ट्रेंड की बात है मुझे लगता है कि कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, और ये देखना पड़ेगा कि अभी जो आम आदमी पार्टी या बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं वो कितने वोटों से आगे चल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि वो 3 से 17 पर पहुंची है, कौन सी सीटें हैं जिस पर काबिज होगी, वो आम आदमी पार्टी की गलती है या उम्मीदवार का एंटी इनकंबेंसी। देखिए कुछ जगहों पे ऐसा बिल्कुल सही था कि जो उम्मीदवार थे विधायक जो थे उनकी एंटी इनकंबेंसी थी उन जगहों पे। एक बार मैं बस दर्शकों को ये पढ़ के बता दूं कि कहां कहां बीजेपी आगे, मोतीनगर में आगे, मुंडका में आगे, रोहिणी में इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी बदरपुर में भी आगे है, बिजवासन में आगे है, दिल्ली कैंट में आगे है, द्वारका में, गोंडा में, हरिनगर में, करावल नगर में, कोंडली में, कृष्णानगर में, मोतीनगर में, मुंडका में, रोहिणी में, ये वो तमाम सीटें हैं जिस पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और आकाशवाणी वोटों की गिनती को 1 घंटा पूरा हो चुका है, आम आदमी पार्टी 53 सीटों पर आगे चल रही है। वोटों की गिनती को 1 घंटा पूरा हो चुका है, 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 16 सीटें हो गई है, बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 53 सीटें इस वक्त रुझानों में जाती हुई दिखाई दे रही है। राखी, नहीं ट्रेंड और मैं भी मानूंगी कि वो लग ही रहा है कि आम आदमी पार्टी के फेवर में, लेकिन आप बात अगर ये करें कि किस तरह से बीजेपी ने जो मेहनत की है, जो कुछ आप अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम ले रही थी उसमें हरिनगर भी जिस तरह एक स्ट्रैटेजी पूरी अपनाई है वहां तेजिंदर बग्गा ने, सरदार सरदार असरदार, और जाके वो लास्ट टाइम में आम आदमी पार्टी के ऑफिस तक चले, और वो उनके लिए आसान भी तो था, वो पंजाबी सिख बहुल इलाका है। जी बिल्कुल, और फिर वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस भी उन्हीं का आशीर्वाद मांगने चले गए, तो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ स्ट्रैटेजीज यूनिक जो रही है वो भी वो काम कर गई है। राज बिहारी जी, आपको क्या लगता है ये सेटल होगा स्कोर अभी? देखिए जो बीजेपी की जो पुरानी सीट रही है बीजेपी उस पर जीत रही है, और मुझे लगता है कि 15-16 के आसपास बीजेपी रहेगी, और आम आदमी पार्टी से माना जा रहा है कि 50-55 के बीच रहेगी, लेकिन जो जैसे जिनको केजरीवाल बता रहे थे कि ये रोड मॉडल है बीजेपी के, जैसे हवाबाज नेता थे इंद्र सिंह बग्गा या कपिल मिश्रा हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा करावल नगर से मांग रहे थे, करावल नगर में मोहन सिंह बिस्ट एक बड़ा नाम था लगातार वहाँ पे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी जैसे कि विजय जौली कह रहे थे कि हम हार पर आत्मावलोकन करेंगे, आत्मावलोकन सबसे बड़ा ये करना है बीजेपी को, बीजेपी में जितने बड़े बड़े हवाबाज नेता हैं जो बड़े बड़े नेताओं के जाकर उनको बैक सीट देने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर से आप शोभना का रुख करते हैं, मेरी सहयोगी शोभना वहां पर मौजूद है। 1 घंटे की काउंटिंग के बाद व्हाट इज द बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए शोभना मेरी सहयोगी आपको बताएंगी। शोभना, रूबिका तस्वीर तो लगभग तय हो चुकी है, 53 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और ये लीजिए मेट्रो आने वाली है।
ले लीजिए मेट्रो आंकड़ा लेकर आई और रुक गई है। आम आदमी पार्टी 53 सीटों पर, बीजेपी 16 पर, कांग्रेस 1 पर। कांग्रेस ने अपना खाता तो खोल लिया है लेकिन प्रदर्शन बहुत खराब। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि 3 सीटों से 16 सीटों पर अब बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्लियर कट अगर कहा जाए बहुमत आम आदमी पार्टी 53 के आंकड़े के साथ। रूबिका शोभना, बिल्कुल तस्वीर ये इस वक्त दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार 2013, 2015 और अभी 2020 में सरकार बनाने की जो कवायद है वो जहन में चलना शुरू हो जाएगी। इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, मैं फिर बता दूं ये रुझान है, लेकिन इस बीच आपको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल ने कल ही नसीहत दे दी थी कि जीत का जश्न बाजी से ना बनाया जाए क्योंकि प्रदूषण होता है। लेकिन संगीता जी, आपके पास कोई जानकारी इस वक्त चाहिए? रुमाना मैं, रूबिका मैं आपको बीजेपी कहां कहां से लीड कर रही है ये मैं आपको एक बार बता रही हूं। और खासतौर पे वीआईपीज की अगर हम बात करें तो देखिए बिजेंद्र कुमार रोहिणी से लीड कर रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी कपिल मिश्रा मॉडल टाउन से लीड कर रहे हैं। ट्रेल कर रहे हैं। और एक सेकंड आप मुझे दीजिए ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। इसी वाइज मोदी नगर से, मुंडका से, रोहिणी से, आगे बिजवासन से बीजेपी लीड कर रही है। दिल्ली कैंट से लीड कर रही है। प्रद्युम्न राजपूत जो है द्वारका से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अजय महावर जो है गोंडा से लीड कर रहे हैं। आप नीचे आइए, आशीष सूद अपनी लीड बनाए हुए हैं लगातार। तेजेंद्र पाल बग्गा भी आगे चल रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट जो हैं वो लीड बनाए हुए हैं करावल नगर से। इसके अलावा राजकुमार जो कोंडली से वो बीजेपी के लीड बनाए हुए हैं। डॉक्टर अनिल गोयल कृष्णा नगर से, ये बीजेपी की सीट मानी जाती रही है कृष्णा नगर। डॉक्टर हर्षवर्धन यहीं से आते हैं और किरण बेदी ने भी यहीं से चुनाव जो है वो, लेकिन वो हार गई थी जी। अनिल गोयल अभी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर ऐसी 16 सीटें हैं जिन पर आगे मुंडका जी, मुंडका से आजाद सिंह आगे चल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आगे आपको बताऊं, नजफगढ़ में अजीत सिंह खरखरी हैं, वो आगे चल रहे हैं। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को आपको बता चुके हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता जो है वो शालीमार बाग से आगे चल रही है। ये दल बदलुओं का क्या हुआ, जरा इनका भी तो हाल बता दीजिए विजय। देखिए ज्यादातर जो दल बदलू हैं वो पीछे चल रहे हैं इस समय। जैसे अलका लांबा ने दल बदला था, कांग्रेस में वापस आई, वो पीछे चल रही हैं। इसके अलावा कुछ और उम्मीदवार हैं, वो भी आदर्श शास्त्री हैं, वो द्वारका में, वो पीछे चल रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस में आए थे। और इमरान हुसैन पीछे चल रहे हैं बल्लीमारान से। इमरान हुसैन हाँ इस समय पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये दल बदलू वाली स्थिति नहीं, ये दल बदलू वाली नहीं है, लेकिन ये चौंकाने वाली खबर है। एकमात्र सीट है बल्लीमारान जिसमें कांग्रेस आगे है, जिसमें हारून यूसुफ इस समय बल्लीमारान से आगे हैं। हाँ एक बल्लीमारान का तो पर्यायवाची इमरान हुसैन हुआ करते थे। हाँ लेकिन मैं इस बार गया था तो लोग काफी व्यक्तिगत तौर पर बड़ी नाराजगी जता रहे थे उनसे, उनके प्रति। सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है कि बड़े बड़े सितारे जो आम आदमी पार्टी रहे हैं उनमें तिमारपुर से दिलीप पांडे लगातार पीछे चल रहे हैं, लगातार पीछे चल रहे हैं। एक बार भी वो आगे नहीं हुए हैं, ये चौंकाने वाली स्थिति। ये सीट बदली गई है, आपको पता है ना। नाराज हो गए थे आम आदमी पार्टी के जो जीते हुए विधायक थे और उसके बाद दिलीप पांडे को ये तिमारपुर वाली सीट दी गई है। वो सीट दी गई थी और 15 सीटें आम आदमी पार्टी ने बदली थी, उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें वो बदलाव का फायदा उनको नहीं मिला। जैसे कुंडली की सीट भी उन्होंने बदली थी, वहां भी वो पीछे चल रहे हैं। तो लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों को लेकर थी जिसको ताड़ गए थे, वो ताड़ गए थे मुझे लगता है, और इसलिए 15 सीटें बदली, 24 नए चेहरे उतारे थे, उसका असर है कि इतना अच्छा प्रदर्शन करती थी। ओके, दिबांग कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। हाँ दिबांग, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने जो 11 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है बीजेपी की, उनमें केवल 3 आगे चल रहे हैं, यानी करावल नगर से मोहन बिष्ट आगे चल रहे हैं। अगर आप देखें तो ओपी आगे चल रहे हैं विश्वास नगर से, और विजेंद्र जो है वो रोहिणी से। तो यानी अगर आप बड़े लोग देखें तो उनमें बीजेपी के जो चर्चित चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनमें 11 में से केवल 3 आगे हैं। और दूसरी बात मैं बताना ही चाह रहा हूं कि आपका हैशटैग एबीपी रिजल्ट फिलहाल ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, हैशटैग एबीपी रिजल्ट जो है इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। ये एक अच्छी खबर आपने सुनाई है। ये देखिए कोई भी पार्टी जीते अगर ट्रेंड एबीपी न्यूज कर रहा है तो आप समझ जाइए कि एबीपी न्यूज पर दर्शकों का भरोसा है, आप लोगों का विश्वास है, और इसीलिए लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो मशीन खुलनी शुरू हो गई होगी, अब तो मशीन खुलनी शुरू हो गई होगी निश्चित तौर पे। आप धीरे धीरे जो है आप देखिएगा ट्रेंड में बहुत कुछ परिवर्तन आना शुरू होगा। हालांकि मैं आंकड़े में बहुत बड़ा उलटफेर होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिवर्तन दिखना अब शुरू होगा। परिवर्तन दिखने से क्या माने, आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन? हाँ मेरा मतलब ये है एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।